नमस्कार दोस्तों, भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के इस सत्र में आपका स्वागत है। प्रश्न एक, इबादत खाना क्यों बनवाया गया था? ऑप्शन ए, धर्मों की चर्चा के लिए, बी, राज्य की चर्चा के लिए, सी, लोगों से बातचीत करने के लिए और डी, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, धर्मों की चर्चा के लिए इबादत खाना बनवाया गया था। प्रश्न दो, निम्न में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए, दयाराम साहनी ने, बी, राखलदास बनर्जी ने, सी, एम वत्स ने और डी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। प्रश्न तीन, कौन से शासक ने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के दौरान शरीर त्याग दिया था? ऑप्शन ए, बिंदुसार, बी, अशोक, सी, चंद्रगुप्त मौर्य और डी, अन्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के दौरान अपने शरीर का त्याग किया था। प्रश्न चार, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए, मोहम्मद गोरी और भीम, बी, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय, सी, मोहम्मद गोरी और जय सिंह और ऑप्शन डी है, मोहम्मद गोरी और अजयपाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। प्रश्न पाँच, मुगलों के दौरान कृषि की स्थिति के बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ऑप्शन ए, आईने अकबरी, बी, अकबरनामा, सी, मुंतखब उल लुबाब और डी, तारिख ए फरिश्ता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आइन ए अकबरी मुगलों के दौरान कृषि की स्थिति के बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था। प्रश्न छः, किसने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया? ए, मुर्शिद कुली खान ने, बी, सादत खान ने, सी, सरफराज खान ने और डी, अन्य ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग कर एक स्वतंत्र राज्य बनाया था। प्रश्न सात, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बनाया गया था? ए, 1853 में, बी, 1856 में, सी, 1863 में और डी, 1865 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया था। प्रश्न आठ, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति कब अपनाई थी? ए, 1877 ईस्वी में, बी, 1833 ईस्वी में, सी, 1858 ईस्वी में और डी, 1799 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1858 ईस्वी में अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। प्रश्न नौ, खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ए, 1525 ईस्वी, बी, 1526 ईस्वी, सी, 1527 ईस्वी और डी, 1528 ईस्वी। सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। प्रश्न दस, कितने वर्षों तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था? ए, 4 वर्ष तक, बी, 7 वर्ष, सी, 2 वर्ष और डी, 10 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 7 वर्षों तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था। प्रश्न 11, आर्य भारत में किस एशिया से आए थे? ए, पश्चिम एशिया से, बी, पूर्व एशिया से,
सी मध्य एशिया से और डी दक्षिण एशिया से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। प्रश्न 12, रामायण एवं महाभारत की रचना किस अवधि में हुई थी? ऑप्शन ए सिंधु घाटी अवधि में, बी द्रविड़ अवधि में, सी वैदिक अवधि में और डी आर्य अवधि में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आर्य अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। प्रश्न 13, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता को समाप्त कर दिया था? ए अलाउद्दीन खिलजी ने, बी मोहम्मद तुगलक ने, सी फिरोज शाह तुगलक ने और डी बलबन ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त कर दिया था। प्रश्न 14, किसने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी? ए हर्षवर्धन, बी चंद्रगुप्त, सी समुद्रगुप्त और डी ब्रह्मगुप्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। प्रश्न 15, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? ए बेगम खां और हेमू, बी अकबर और मिर्जा हकीम, सी अकबर और बेगम खां और डी अकबर और राणा प्रताप। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बेगम खां और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। प्रश्न 16, मोहम्मद गोरी किस जगह का शासक था? ए अफगानिस्तान का, बी इराक का, सी पर्शिया का और डी तुर्की का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान का शासक था। प्रश्न 17, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? ए बाजीराव पेशवा, बी नाना साहब, सी शाहू महाराज और डी शेर शाह। तो बाजीराव मस्तानी बाजीराव पेशवा की प्रेयसी थी। प्रश्न 18, बिहार को किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था? ए बाबर, बी खिलजी, सी तुगलक और डी चंगेज खान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खिलजी ने बिहार को सबसे पहले जीता था। प्रश्न 19, मुगल काल में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर में अपने कारखाने स्थापित किए थे? ए मद्रास, बी कलकत्ता, सी मुंबई और डी सूरत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सूरत में अंग्रेजों ने अपने कारखाने सर्वप्रथम स्थापित किए थे। प्रश्न 20, किस शासक के बाद मुगल काल का पतन हो गया था? ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कि औरंगजेब के शासनकाल के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। तो दोस्तों ये थे भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।